स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा सोप्सी ऐप की आईडी कैसे बनाएं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। तो जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान भाषा में आज ये सीख लेते हैं सोप्सी ऐप की आईडी और अकाउंट कैसे बनाते हैं। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर साइड में हमारे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले तो सोप्सी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको सबसे पहले सर्च करना होगा सोप्सी। आपको सिंपल यहां पर सर्च पर क्लिक करने के बाद सोप्सी सर्च करना है और यहां से आप सोप्सी ऐप को आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको सोप्सी ऐप की आईडी बनाने के लिए करना क्या होगा, आपको यहां पर सबसे पहले सोप्सी ऐप को ओपन करना है और हमारे सामने यहां पर सोप्सी ऐप कुछ इस तरह से हमारे मोबाइल में ओपन हो चुका है। आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे आपको सबसे ऊपर यहां पर एक लॉगिन का आइकन दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अकाउंट का फीचर दिखाई देगा। आप यहाँ पर चाहे तो लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर लॉगिन पर एक बार क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो हम जल्दी से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डल चुका है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर एक बार क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और यहाँ पर हमारा जो ओटीपी है वो आ चुका है। हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर अब इसे पेस्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है और हम यहाँ पर सोप्सी ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर ऊपर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पर अगर हम बैक करते हैं तो यहाँ पर सोप्सी ऐप के होम पेज में हमें लॉगिन का फीचर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर सोप्सी ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक बार अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नीचे आप यहाँ पर कुछ फीचर देख सकते हैं जैसे कि माय अर्निंग, माय बैंक अकाउंट, माय बिलिंग डिटेल, माय ऑर्डर और यहाँ पर माय कस्टमर्स, माय विश लिस्ट, यहाँ पर माय कार्ड एंड वॉलेट का फीचर भी दिया गया है, माय रिव्यू का फीचर दिया गया है, माय क्वेश्चन एंड आंसर, लर्न या फिर सेल ऑन शॉपी, रिफर एंड अर्न, कॉन्टेक्ट यूज, हेल्प सेंटर, लीगल या फिर लॉग आउट ऑफ थीज ऐप। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कुछ फीचर भी दिए गए हैं और इस तरह आप बड़ी आसानी से सोप्सी ऐप में आईडी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।